क्रिसमस को लेकर सोलन के होटलों में पहले बहुत सी तैयारियां हो जाती थी। होटल पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न पैकेज नवंबर माह में ही लगा देते थे और सोलन, कसौली और चायल के होटल कई दिनों पहले ही बुक हो जाया करते थे। लेकिन इस बार अभी तक पर्यटक न के बराबर अपनी रुचि दिखा रहे हैं। यही कारण है कि नियमों की अस्थिरता की वजह से अभी तक होटलों ने भी कोई विशेष पैकेज नहीं लगाए हैं, जिसकी वजह से लग रहा है कि इस बार क्रिसमस पर वे चमक दमक नहीं रहेगी जो बीते वर्षों में हुआ करती थी, जिसकी वजह से होटल व्यवसायी भी परेशान दिख रहे हैं। और उनका कहना है कि सरकार को जल्द नियमों के बारे में खुलासा करना चाहिए। होटल व्यवसायी का कहना है कि कुछ दिन पहले तक व्यवसाय फिर से पटरी पर लौट आया था। पर्यटक और आमजन दोनों ही होटल में आकर अपना मनोरंजन कर रहे थे। सभी होटल व्यवसायी उम्मीद कर रहे थे कि इस बार नववर्ष और क्रिसमस पर व्यवसाय अच्छा हो जाएगा, लेकिन अब कोरोना मामले बढ़ने की वजह से फिर से नियमों में बदलाव किया जा रहा है और पता चला है कि बाहरी राज्यों से आने वाले ग्राहकों को कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा, जिसकी वजह से अब बुकिंग नहीं आ रही है। होटलों में पर्यटकों की संख्या बेहद कम हो गई है। उन्होंने कहा कि क्रिसमस और नव वर्ष पर होटलों में 50% तक का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राहकों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। तैयारियां जहाँ तक बात की सर, अभी तो हमने तैयारियां काफ़ी कुछ कर रखी थी, लेकिन थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि अभी कल ही हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि अदर स्टेट के हिमाचल में तभी एंट्री कर पाएंगे गेस्ट जब उनके पास कोरोना निगेटिव का सर्टिफिकेट होगा। तो थोड़ी इसमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम आ गई है। अभी खैर ये अभी उन्होंने अप्लाई नहीं किया हुआ है, देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो तैयारियों वाली बात है, हमने काफ़ी कुछ कर रखा है। हमने गेस्ट को कुछ पैकेज रेडी कर रखे हैं, जिसमें रूम प्लस उनको डिनर डाइनिंग सब कुछ, उनको ऑल इंक्लूसिव पैकेज हमने दे रखा है। हमने ओपन फायर, बारबेक्यू, ये सब का सेटअप कर रखा है। गेस्ट का हमने पूरा एंटरटेनमेंट का ध्यान रखा हुआ है, और बाकी आगे और भी करने की तैयारी है। लेकिन बस थोड़ा सा ये जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं थोड़ा क्लियर हो जाएं, क्या गाइडलाइन है क्या नहीं है, तो इस पर हम थोड़ा फोकस करेंगे बाद में। नहीं, अभी जो ऑर्डर है उसके पहले तो हमें लग रहा था कि हमारा होटल इंडस्ट्री चल पड़ा है, गेस्ट काफ़ी कुछ आने लगे थे, कुछ हमारी बुकिंग्स भी होने लगी थी। लेकिन फिर से वो अगेन गाइडलाइन आ गई कि 50 की गैदरिंग होनी चाहिए, तो उसमें थोड़ा गेस्ट फिर से डर गया और उससे ज़्यादा पहले से ज़्यादा डरा हुआ है। अब और भी थोड़ा 2-3 दिनों से तो हमारा रेस्टोरेंट बिल्कुल ब्लैंक ही जा रहा है। उम्मीद तो है सर, बस एक गाइडलाइन क्लियर हो जाए, गवर्नमेंट क्लियर कर दे कि हम ये जो हम पुराना सर्टिफिकेट का जो लगाया हुआ कंपल्सन वो हटा ले, बाकी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और लोगों के अंदर भी मतलब मास्क पहनना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, सैनिटाइज कर रहे हैं, तो अब रेगुलराइज हो गया, सब हैबिचुअल हो गए हैं और यूज टू हो गए हैं। तो अब रेस्टोरेंट भी आ रहे हैं, हमारी बैंक्वेटिंग भी हो रही, सब कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी ऑफर से है कि गेस्ट को जो पहले वाले रेट थे उससे काफ़ी कम दामों में सारे प्राइस हम ऑफर कर रहे हैं उन्हें, क्योंकि हमें भी बिजनेस आगे बढ़ाना है। तो हम तो पहली बात तो सबसे बड़ा उनको ऑफर तो यही है कि डिस्काउंट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लगभग 50% डिस्काउंट भी हम चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात गेस्ट के लिए तो यही है कि उनको लगभग हाफ प्राइस में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सारी इंटरटेनमेंट चीज़ें अवेलेबल हैं।